सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूँ। संजय दत्त ने अपनी बायोपिक संजू में खुद को बेकसूर और मासूम साबित करते हुए मीडिया को तो निशाने पर लिया ही है और साथ ही देश के एक बड़े राजनेता को भी अपमानित किया है। ये वरिष्ठ और सम्मानित नेता अब राजनीति में नहीं है और ऐसा लगता है कि उनके पार्टी को भी उनके मान अपमान की चिंता नहीं रह गई है। नेता के उठने बैठने चलने और बोलने के अंदाज से साफ पता चलता है कि वो कौन है और किस तरह से निर्देशक राजू हिरानी ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश की है। अंजन श्रीवास्तव ने इस ओजस्वी वक्ता और कवि नेता की भूमिका निभाई है। फिल्म संजू में दिखाया गया है कि संजय दत्त अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस की गिरफ्त से लौटने के बाद इन नेता से मिलने जाते हैं और खुद को बेकसूर बताते हैं। संजू उनसे मदद चाहता है, वो नेता उनकी बात सुन रहे हैं। इसके बाद वॉइस ओवर में संजू की आवाज उभरती है कि हमें अभी तक नहीं पता कि वो मेरी बात सुनते हुए सचमुच सो गए थे या सोने का नाटक कर रहे थे। राजनीति को थोड़ा भी जानने और समझने वाले लोग ये दृश्य देखते ही जान जाते हैं कि हिरानी का इशारा किसकी तरफ है। इस बड़े नेता के अपमान पर उनकी पार्टी खामोशी साधे हुए है। वहीं सेंसर बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे उसने इस बड़े नेता का अपमान होने दिया। सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसन्न जोशी ने इस मुद्दे पर मीडिया में कहा कि हम सब जानते हैं कि किस बड़े राजनेता को दिखाया गया है। हम इस पर सवाल उठाते या हल्ला मचाते तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। फिल्म की टीम तो इनकार करती ही, राजनेता के लोगों का बयान भी आ जाता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया गया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।